हिंदी व्याकरण व छत्तीसगढ़ी भाषा से पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो आपके व्यापम 2023 और पीएससी एग्जाम में लिया गया प्रश्न है। तो महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 अगस्त को एग्जाम है, मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो प्रश्न देख के जाइएगा कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरणी जोड़ी मिला के देखना है इसका आंसर क्या होगा, चारू, चरोहन, चरोटा या चरागन। तो इसका आंसर चलिए हम जोड़ी मिलाते हैं। तो पहला का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटे मुंह के लोटा। दूसरा हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि चरोहन का चौड़ धोए पानी। तीसरा देखते हैं, तीसरा का कौन सा होगा, तीसरा का तीसरा ही होगा एक प्रकार का भाजी। चरोटा क्या है, एक प्रकार का भाजी है। जो चरागन है ना, वो आपका हो जाएगा चौथा, गाय बैला के चारा के जगह। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सी। देख सकते हैं यहाँ पर आंसर सी होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, चलिए लाइन से देखते हैं ना, मिलाते चलिएगा। 70 का वाला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द में नपल्ली काला कथेगा। नपल्ली काला कथे, नौ पल्लों के किड़वार, चौर नापे के बर्तन, नाक के जेवर, ये छिपकली, ता ये नपल्ली छिपकली लही कथे। ठीक है, चल अब देखते हैं यहाँ से, जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के उत्पत्ति कौन तत्समले हो है, अत्र तत्र, यदा कदा, यत्र तत्र या इस्तता। तो इसका आंसर आपका होगी सी, यत्र तत्र। जतर खतर लगाए का थे, यत्र तत्र इला का थे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी में लोकड़ाहीन कौन लगा थे, लोकड़ाहीन कौन लगा थेगा, जल्दी बताओ। लोकड़ाहीन काला का थे, लकड़ी के बोझा बोहिया, लकड़ी के बिचैया, मंदरस निक रही है एक प्रकार के माछी, दुल्हीन के सेवा पर संग में होते तेला कथे, पठोए के सहायिका। तो एक आंसर है ही डी। ठीक है, दुल्हीन के सेवा पर संग में पठो, मतलब पठोए के सहायिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा व छत्तीसगढ़ी व्याकरण में, तासा, भोजली, पवारा, हथफोड़वा। चलिए ला मिला के देखते हैं कर आंसर का होते। तो तासा काला कथे, तासा एक इला कथेगा वाद्य यंत्र ला। तो पहला हो जाए तासा के आ जाए वाद्य यंत्र, ओकर बाद भोजली के आ जाए आपका काया ही भोजली के लोक देवी। ठीक है, पवारा काला कथे, पवारा आपका आ जाए गायन शैली, हथफोड़वा पकवान लगी थे, है नी। एकर आंसर बी हो ही, हमन मिला के देख लेता ने दे, एकर आंसर आपका बी हो ही। ठीक है, चल देखते हैं, एक डहर कौन क्रिया विशेषण हवा, एक डहर, ए डहर है नी, ए दहन कथन नहीं, उसने ए डहर कौन से क्रिया विशेषण हवा है, रीतिवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, प्रयोजनवाचक। तो ए डहन मतलब दिशा के बारे में बतावा थे, तो एक आंसर कौन सा हो जाए, बी हो जाए दिशावाचक। चलो देखथन एक ठनऊ क्वेश्चन है का हरे, देखिए ये मैं कहा थे कि उज बक शब्द छत्तीसगढ़ी माँ कौन भाखा ले आए है, उज बक पुर्तगाली, मराठी, पश्तो, तुर्की। तो ये हाँ तुर्की दिशा ले आए है, तुर्की भाषा ले। ठीक है, आप देखिए, जरूरत ले ज़्यादा बोलैया बर जौन छत्तीसगढ़ी शब्द हवा वो है का हरे, तो का हरेगा ये है मन हा? चल देखथन का हरे, तो जरूरत ले ज़्यादा है नी, जरूरत ले ज़्यादा छत्तीसगढ़ी में शब्द हवाए पचर्रा, मिठलावरा, लपरा, बेलबेलहा। देखिए मतलब हद से ज़्यादा बोलैया ला कथ, मतलब हद से ज़्यादा बात करते थे का कथ, लपरहा कथना मना छत्तीसगढ़ी में। तो एक आंसर सी होना चाहिए, पचर्रा के मतलब बार बार पचर पचर बात नहीं करे ना, ये में काय कहा थे, जरूरत ले ज़्यादा बोलैया कहा थे, हद से ज़्यादा लपर लपर मारी टीचर कथे का, एक आंसर सी हो। चलो एक ला बताओ, एक ठनामा के सौ लबेदा, हाना के अर्थ का है, मुहावरा से पूछे गए मुहावरा से, एक ठन आमा के सौ लबेदा का है जल्दी बताओ। मांग ले ज़्यादा पूर्ति होना, एक सामान के ज़्यादा मांग, आमा के बगीचा में लबेदा बेचना, यह सामान अधिक होना। तो एक आंसर भी हो ही, एक के सामान के ज़्यादा मांग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है का कथे, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के मतलब का होतेगा, अतलंग के मतलब भोलापन, बदमाशी, लोभ, आलस्य। अतलंग मतलब बदमाश, आंसर बी। चल अब एकल देख लेथन,
दूसरे गांव के यात्रा मन जवैया मन लकाय कथे छत्तीसगढ़ी शब्द में गवैया कोचर गौत्रिया गौठिया ता एकर आंसर सी होना चाहिए गौत्रिया। ठीक है एक गौत्रिया आना चाहिए काबर की दूसरे गांव के यात्रा मन जवैया मन लकाय कथे माँ भाखा माँ मनखे मन बर काय कथे गौत्रिया। चलो देखथन एकर बाद फिर ये दे 127 ला छत्तीसगढ़ में कैसे गिनबोगा तो चल देखथन सात कम दू कोरी सात अक्षर सात अगर के छह कोरी सात कम तीन कोरी सात अगर दस कोरी। तो देखिए 127 को कैसे करेंगे सात अगर छह कोरी एक कोरी का मतलब होता है एक कोरी के मतलब होतेगा अपन 20 एक कोरी का मतलब 20 रुपया है नहीं तो सात अगर तो सात अगर के कितना होगेगा सात अगर के तो 20 गुणित सात करो सात दून 14 140 हो जावा थे है नहीं तो सात अगर छः कोरी कहा थे तो छः कोरी हिसाब थन सात यदि सात हो गए अगर एक कोरी के मतलब 20 तो छः कोरी के मतलब छः दूना 12 120 है नहीं तो 120 और सात कितना हो गया 127। जिनको कोरी का मतलब मालूम है ना एक कोरी के मतलब होते 20 तो छः कोरी के मतलब हो गए 120 है नहीं तो ये सात अगर बोले तो 120 में सात ला जोड़ दे बहुत कतका हो जाए 127 यदि आ गया आंसर आंसर बी। चलेला देखते श्राद्ध कर्म करिया ब्राह्मण ला का कहते घोगिया पठारी कहते है ना श्राद्ध कर्म के ब्राह्मण मन ला घोगिया पठारी कहते। रानी कीड़ा का होना ये दे रानी कीड़ा का होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा काला कथेगा कीड़ा संग व्यवहार करना रानी बन के तंगवाना रानी ला कीड़ा काटना सुख सुविधा में पलना। रानी कीड़ा होना का मतलब होते है आंसर डी सुख सुविधा में पलना। अंडा बन मा बिर्रा का हरे अंडा बन मा बिर्रा बाग हना के सही अर्थ का हथे का होतेगा चलो बताओ। अंडा बन मा बिर्रा बाग होना मतलब सही अर्थ का हरे अपन ला बड़े समझना जैसा राजा वैसन प्रजा अंडा खा के भगवा डले डराना भगवा ला आँखी दिखाना का होते आंसर। अंडा बन मा बिर्रा बाग हाना के सही अर्थ है अपन का लेना चाहिए। अब एक रो आंसर मोहला थोड़ा देखा लगी का हरे देख अंडा बन मा बिर्रा बाग हाना बिर्रा बाग हाना मतलब हाँ जैसे राजा वैसे प्रजा हाँ आंसर भी आई ठीक है बिल्कुल सही जवाब आंसर भी आई ठीक हाँ चलो सही जोड़ी मिलाऊ कर थे। जलज के काय लेना चाहिए जलज के का हो ही तो देख जलज के अपन मन के कमल होना चाहिए आंसर ये वाला हो ही। जलद के पी जलधि के सी समुद्र ठीक है कहना चाहिए नहीं 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 एक बार फिर से देखाओ जलज के कमल होना चाहिए और जलद के बादल ठीक ठीक और जलधि के समुद्र ये ठीक है आंसर डी आई एक बार ठीक है चल मिला लेथन आंसर डी हो ये थे ठीक। चल एक वाला देखथन का है भाई जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता उन्हें क्या कहते हैं अव्यव संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं संज्ञा किसी नाम धातु ये सब परिभाषा वगैरह क्या है संज्ञा है। विशेषण क्रिया दो प्रकार के होते विशेषण चार प्रकार के होते अव्यवाही एक आंसर ए होना चाहिए ठीक है। वीडियो एक बार लाइक कर दो संगवारी हो जो तैयारी करा था चाहे व्यापम के तैयारी करो चाहे पीएससी के है ना तो ये एग्जाम में इसने प्रश्न पूछते ठीक है याद रखो का आना चाहिए कर वीडियो लाइक कर दो है ना जतका जन जुड़ चुके हो या हमारे चैनल देखा था वीडियो लाइक कर दो है ना इतना मेहनत से मन वीडियो बना कर लाथन तुम्हार मन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण माना जाता है नई कलम राम की पहली कलम राम की विदेशी कलम राम की यह कलम राम के एक आंसर डी हो ही यह कलम राम के। चले देखा कहा थे कि आंतरिक भिन्नता करते हुए
सुचिल मिलान करथन, चल हमन मिला लेथन रे भाई, काबर तोला है ना, हमन तो बैठे चंगा मिलाए बन, चलो मिलाथन त फिर, चलो मिलाओ ना गा तहु मन, हाँ चलो चलो मिलाओ, देरी ना करो, बता जाओ करुणा के काय ही पढ़ो और बताओ। करुणा के लाइन से आई रे, करुणा दूसरे दुख को देख कर जाना, ये दे इसने बना थे, ये दे इसने इसने, मतलब पहला के ये वाला, दूसरा के, तीसरे के, चौथा के, ठीक है ठीक है। आंसर डी ले लेता, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर डी नहीं आंसर बी आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा लाइन से गए सेम सेम बराबर, बस करना है ये दे, एकर सामने एकर सामने एकर सामने एकर सामने, ठीक है। चल तो फिर आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे मन पर एक और क्लास लेकर आओ जो व्यापम और पीएससी में पूछे गए सवाल।